नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इस लड़की को जल्दी साइन करो, अमिताभ बच्चन ने लगाई विद्या बालन के लिए करण जौहर से सिफारिश। अमिताभ बच्चन को जितना लोग एक एक्टर के तौर पर पसंद करते हैं, उतना ही एक इंसान के रूप में भी। एक्टर इन दिनों केबीसी 16 में होस्ट के तौर पर नजर आ रहे हैं। अमिताभ जिस तरह से ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, लोगों को ये चीज बहुत पसंद आती है। इसी वजह से ये शो सभी जनरेशन के लोगों के पसंदीदा शो में से एक है। विद्या बालन ने शेयर किया मजेदार किस्सा। बिग बी कई बार गेम के बीच में ऑडियंस के साथ अपनी आम जिंदगी से जुड़े कई किस्से शेयर करते हैं, जिससे लोगों को उनके प्रति काफी जुड़ाव महसूस होता है। अब हाल ही में शो का हिस्सा बने थे कार्तिक आर्यन और विद्या बालन। एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 को प्रमोट करने के लिए आए थे। ये एपिसोड आज शाम को प्रसारित होगा। इस बातचीत के बीच बिग बी ने मंजुलिका यानी विद्या बालन से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। अमिताभ ने की थी एक्ट्रेस की सिफारिश। मेगा स्टार ने याद किया कि कैसे उन्होंने पहली बार विद्या की परफॉर्मेंस साल 2005 में उनकी पहली फिल्म परिणीता में देखा था। विद्या की अदाकारी से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने करण जौहर के साथ इंडस्ट्री के कुछ टॉप डायरेक्टर से उनकी सिफारिश कर डाली। अमिताभ ने कहा कि मैंने तुम्हें पहली बार परिणीति की स्क्रीनिंग के दौरान देखा था। मैं कुछ बड़े लोगों के साथ बैठा था और करण जौहर उनमें से एक थे। विद्या ने भाव विभोर होकर बिग बी को उनके इस समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि साल 2007 में एकलव्य में उनके साथ काम करने पर उन्हें कितना आभारी महसूस हुआ था। कार्तिक की मां ने देखा था उनका रोमांटिक सीन। एपिसोड के दौरान कार्तिक आर्यन ने भी कुछ मजेदार कहानियां भी साझा की। उन्होंने उस पल को याद किया जब प्यार का पंचनामा में भूमिका मिलने के बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि वो एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि उनकी माँ ने जो उनका पहला सीन देखा था उनके ऑडिशन के एक रोमांटिक सीन था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज़।